कॉमेडियन कपिल शर्मा साहब 12 दिसंबर को जलंधर में गिन्नी चतरथ के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन अब आ गया है इनका ऑफिशियल वेडिंग कार्ड, वो भी मिठाइयों के साथ। जी हाँ, इनविटेशन कार्ड के साथ भेजी है मिठाइयां कपिल ने। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दरअसल जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं कपिल के वेडिंग कार्ड की। जी हाँ, इनसाइड तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कपिल के वेडिंग कार्ड के साथ मिठाइयां भी भेजी गई है, यानी कि इनविटेशन मिठाइयों के साथ। रेड और क्रीम वेडिंग कार्ड पर महल, हाथी और कमल के फूल बने हुए हैं, साथ ही गोल्ड प्लेटेड वर्क भी दिख रहा है। खास बात तो ये है कि रिश्तेदारों और इन्वाइटेड गेस्ट को मुंह मीठा करने के लिए कपिल ने कार्ड के साथ मिठाइयां, ड्राई फ्रूट्स और चिक्की भी भेजी है। तो कुल मिलाकर बड़ा जबरदस्त सा वेडिंग कार्ड है कपिल शर्मा साहब का। बताते चलें कि इन दिनों एंटरटेनमेंट फील्ड में शादियों का सीजन बना हुआ है। पहले दीपिका रणवीर की शादी, रिसेप्शन, देन उसके बाद प्रियंका और निक जोनस की शादी, अब उनके रिसेप्शन भी होने वाले हैं। वहीं पर इसी बीच कपिल शर्मा साहब 12 तारीख को यानी कि 12 दिसंबर को जलंधर में गिन्नी के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। वैसे आपको बताते चलें कि कपिल अपनी शादी में खाने खाने पर 15 लाख से ज्यादा का खर्च करने वाले हैं। इसमें वेज नॉन वेज दोनों डिशेस होंगी। शादी में पंजाबी फूड के अलावा 100 से ज्यादा व्यंजन होने वाले हैं। शादी से पहले 10 दिसंबर को माता का जगराता होगा, जिसमें पॉपुलर सिंगर ऋचा शर्मा भजन गाएंगी। उसके बाद पंजाबी भजन गायक मास्टर सलीम भी होंगे। जागरण के अगले दिन चूड़ा सेरेमनी होगी, मेहंदी का फंक्शन होगा और कॉकटेल पार्टी होगी। शादी वाले दिन गुरदास मान अपने गानों से महफिल सजाएंगे और 14 दिसंबर को अमृतसर में होने वाले रिसेप्शन में दलेर मेहंदी साहब महफिल बांधेंगे। तो कुल मिलाकर बड़ा खास होने वाला है कपिल का वेडिंग शेड्यूल। वैसे अब तक की खबर के मुताबिक 12 में जलंधर को शादी के बाद 14 तारीख को रिसेप्शन होगा, देन उसके बाद कपिल शर्मा साहब अपने होम टाउन यानी कि अमृतसर में भी पार्टी करने वाले हैं, वहां भी रिसेप्शन होगा एंड देन मुंबई में भी सितारों के लिए रिसेप्शन पार्टी होंगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो कपिल शर्मा साहब जो पिछले काफी टाइम से एक अलग स्टेट से गुजर रहे थे, अब रिकवर होके आ गए हैं पूरी तरीके से, नए अंदाज में। उनका शो भी आने वाला है, उनके शो के पहले मेहमान भी सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान साहब होने वाले हैं और वो अब शादी भी कर रहे हैं। यानी कि कपिल ने ठान ली है कि अब जिंदगी को नए सिरे से और खुशी से एक बार फिर से एंजॉय करना है। बहरहाल कपिल को हमारी तरफ से बधाइयां तो है ही, लेकिन इतना भी है कि कपिल से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आपको लगातार बताते रहेंगे, चाहे बात शादी की हो, इनसाइड खबरें हो, ये सारी डिटेल आपको हमारे साथ मिलती रहेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।